हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनाज किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी टेस्टी डिश, कॉर्न सैंडविच। ये फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, और बच्चों को तो ये खूब ही पसंद आएगा। आप भी इसे अपने ब्रेकफास्ट में एक बार जरूर ट्राई करिए। तो चलिए बनाते हैं कॉर्न सैंडविच। कॉर्न परी सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप कॉर्न ली है, ये अमेरिकन कॉर्न है। इसे डाल देंगे एक मिक्सर जार में। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा दरदरा हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमने कॉर्न को दरदरा पीस लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और उस बाउल में जो ये कॉर्न हमने पीसी है इसे डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है मैश करके, थोड़ा सा मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, एक चम्मच क्रीम ली है, मिल्क क्रीम। और यहाँ पर ली है चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी ओरिगानो ली है, एक चम्मच मैंने ली है यहाँ पर पिज्जा टॉपिंग्स वाली सॉस। ये नमक ले लेंगे एक चम्मच, कम ज़्यादा आप जितना खाते हो उस हिसाब से। और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सचर तैयार है सैंडविच के लिए। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब चलिए सैंडविच ब्रेड ले लेंगे। और ये मैंने टमाटो सॉस ले लिया है एक स्पून, ब्रेड पर ले लिया है मैंने ये ग्रीन चिली सॉस। और यहाँ पर सैंडविच का जो हमने मिक्सचर बनाया है कॉर्न का, उसे स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पर इस तरह से इसे बंद कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारा तवा गर्म हो चुका है, उस पर हम थोड़ा सा घी या बटर कुछ भी स्प्रेड करेंगे इस तरह से। और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा घी, हम इधर भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला सैंडविच आप अपने बच्चों को बनाकर दीजिए, बहुत ही पसंद आएगा उन्हें, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट के रूप में आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसे गोल्डन ब्राउन इस तरह से अच्छे से सेक लिया है। देखिए, आप अपने क्रंचीनेस के हिसाब से ले सकते हैं जैसा आप खाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कॉर्न सैंडविच बनकर रेडी है। चलिए इसे सर्व करते हैं। यहाँ पर मैं एक पिज्जा कटर से इसे कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कॉर्न पनीर सैंडविच बनकर रेडी है। कितना यमी और कितना टेस्टी दिख रहा है ये। अगर आपको मेरे कॉर्न पनीर सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।